अरे हाँ बता, कहाँ जा रहे हो? बाहर कुछ जरूरी काम है, उससे जा रहा हूँ। अजी मैं नू कह रही हूँ, करवा चौथ आ रही है तो एक सूट ही दिलवा देते। अरे तू पागल है क्या? तुझे अच्छी तरह पता मेरा काम नहीं चल रहा, दुनिया भर का कर्जा हो रहा, मैं कहाँ से दिलवा दूँ तुझे सूट? यहाँ हम वैसे परेशान है, ऐसा चाहिए नहीं नहीं सूट। दादी राम राम। और ठीक है तेरी तबीयत? राम राम बेटा, बस ठीक। क्या अब तो अगले घर जाके ठीक हो गएंगे, वैसे तो दिखाई ना देता। चल आजा अंदर बैठ के बात करेंगे। आजा बेटा बैठ जा। एक बात बता बेटा, तो आजकल दिखाई ना देता, कहाँ रह वह? अरे दादी दिखाई क्या ना देता, बस परेशान सा चल रहा हूँ। काम मिला कुछ चल नहीं रहा, काम के चक्कर में इधर उधर काम ढूंढता फिर। पहले तो बहुत अच्छा काम चल रहा, पर अब काम बिल्कुल पिटा पड़ा। मैं सोच रहा कोई काम धंधे ही मिल जा तो उसे शुरू कर दूं, पर कोई काम भी तो ना मिल रहा। देख बेटा, बुरा तो मानिए मत, पर मैं तुझे एक बात कहूँ। मैंने एक बात नोट करी, बस तू मुझे गलत मत समझिए। अरे दादी तू कैसी बात कर रही है, बड़े बुड्ढों की बात का भी बुरा मन हुआ क्या? बता तू क्या बात है। बेटा जब से तेरा ब्याह हुआ तेरा सारा काम धंधा बंद होगा, तेरी बहू के पैर अच्छे ना बेटा, जब से तो तेरा नास सही होगा। और तू इतना परेशान चल रहा तो अपनी बहू के घर वालों से क्यों ना मदद मांग लेता? और तेरे ब्याह में भी तो कुछ ढंग का ना दिया उन्होंने। अरे दादी नफा नुकसान अमीरी गरीबी सब देखा जाएगा, पर उसमें उस बिचारी का क्या दोष है? ए बेटा तू भी कतई भोला, तुझे ना पता इन सब के बारे में। किसी किसी औरत का पहरा बहुत बेकार हो, वह कंगाल कर दे आदमी को कतई। और उसकी माँ ने तुझे कौन सा दहेज में कार या बाइक दे दी, ब्याह का खर्चा भी तुझसे उठवाया, तो भोला भाला मिल गया उन्हें लूटने को। अच्छा दादी इस बात पे तो मैंने आज तक नोटिस ही ना करा। चल अब चलू, मैं भी कोई काम धंधा देखूं। ठीक है बेटा, मैं तो तू अपना सोच के समझा दिया, ध्यान दियो मेरी बात पे, आगे तेरी मर्जी है। बेटा जब से तेरा ब्याह हुआ तेरा सारा काम धंधा बंद होगा, तेरी बहू के पैर अच्छे ना। बेटा जब से तेरा ब्याह हुआ तेरा सारा काम धंधा बंद होगा, तेरी बहू के पैर अच्छे ना। ए बेटा तू भी कतई भोला, तुझे ना पता इन सब के बारे में। किसी किसी औरत का पहरा बहुत बेकार हो, वह कंगाल कर दे वह आदमी को कतई। वैसे तो तुम्हारे पास पैसे होते नहीं है, लेकिन शराब पीने के लिए पता नहीं कहां से आ जाते हैं। चुप कर जा चुप। मैं न्यू कह रहा हूँ, जिस दिन से तुम मेरे घर में आई है ना, उस दिन से तन्ने मेरे घर का नाश ठा दिया नाश। बस अब इसके अलावा कुछ मत बोल देना, बहुत हो चुका तुम्हारा। तुम ये क्या बोल रहे हो? अच्छा वैसे बोल रहा हूँ मैं, अरे दुनिया को देख, दुनिया को मोटर साइकिल गाड़ियों में घूमती फिरे, और तेरे माँ बाप पर तो एक मोटरसाइकिल भी ना दी गई। देखो बहुत हुआ, तुम मेरे बारे में कुछ भी बोल दो, लेकिन मेरे माँ बाप के बारे में कुछ मत बोलना। उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, और मैं ना तुमसे बाद में बात करूंगी जब तुम होश में होंगे। होश में तो मैं आज ही आया हूँ, ये सब बात मैं तेरे से होश में ना कर सकया। सच्चाई बोलने के लिए हिम्मत चाहिए थी, इसलिए शराब पी कर आया कि मैं तेरे मुंह पर तेरी सच्चाई बोल सकूं। ओए सुन ले मेरी बात, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, अपनी माँ के पास चली जा। बाप तो तेरा मर गया, तुझे मेरे पल्ले से बांध के और निकल मेरे घर से। 3 लाख रुपये लेगा ये 3 लाख रुपये अपनी माँ से, उससे पहले घुस मचिए। चल निकल।
तुम्हें पता तो है मेरी माँ 3 लाख रुपए कहाँ से लाएगी, और वैसे भी अब तो मेरे पापा भी नहीं रहे, वो अकेली इतने पैसे कहाँ से लाएंगी। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 3 लाख रुपए चाहिए, इतने 3 लाख रुपए न लगा घर में बड़मचिया निकल गया। ये क्या कर रहे हो तुम, निकल इससे मेरे घर से अभी। माँ बेटी सुमाना, तू अकेले कैसे आई है? है अचानक से कैसे आई तू? दामाद जी कहाँ हैं? माँ मेरे साथ कोई नहीं आया, मैं अकेली आई हूँ। बेटी तो क्यों रो रही है, ये बात है मुझे बता, दामाद जी ने कुछ कह दी तुझे या उसके घर कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया? माँ उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और ये बोला कि जब तक तेरे पास 3 लाख रुपए नहीं आ जाते ना, घर में घुसने की जरूरत मत करना। तेरे माँ बाप ने मुझे दिया ही क्या है, जब से तू मेरे घर में आई है ना, तूने मेरा घर उजाड़ कर रख दिया। माँ अब तुम ही बताओ मैं करूँ तो क्या करूँ? बेटी तू चुप हो जा, रो मत, महाराज जमाई ऐसा ना है, मैं उससे बात करूंगी। नहीं माँ अब मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी, हम मुझे उनसे सिर्फ तलाक लेना है। सुमन बेटी तू कैसी बात कर रही है, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ माँ मेरा दिमाग खराब हो गया, अगर तुम दोनों मुझे पढ़ने देते ना, या मेरे ब्याह कितनी जल्दी ना करते, तो शायद आज मुझे ये दिन देखना ना पड़ता। पर बेटी, पर वर कुछ नहीं माँ। बेटी तुझे मेरी कसम है जो आगे से तने तलाक की बात कभी भी करी। ठीक है माँ नहीं करती, पर मैं उस घर अब नहीं जाऊंगी, मैं बस अपनी पढ़ाई पूरी करूंगी अब, और अपने पैरों पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। ठीक है बेटी तू कर ले अपनी पढ़ाई पूरी, मैं ना रोकूं तुझे, चल तू आराम कर ले। ठीक है माँ। माता जी राम राम। राम राम बेटा जी, तेरा बने रहा, बैठ जाओ। और बताओ सब ठीक ठाक? हाँ जी मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप भी ठीक हो और सुमन भी ठीक है? हाँ बेटा भगवान की कृपा से सब ठीक है। राजू अरे दामाद जी को पानी लाइए। राम राम जी। माता जी सुमन ना दिख रही, कहाँ है वो? सुमन सुमन तो बेटा ड्यूटी गई है, गांव के पास ही ड्यूटी लग गई उसकी। चलो जी यूँ तो बढ़िया। माँ मैं तो सुमन को लेने आया, ये तो छोटी मोटी लड़ाई चलती रहे परिवार में। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, और मैं तो सुमन को समझाती रहा हूँ, जहाँ 2 जने रहे वहाँ तो नोक झोंक होती रहे। सुमन भी आने वाली हो रही होगी, इस टाइम ही होगा उसकी छुट्टी। लो देखो यू वाली। और कैसी है सुमन? जिन हालातों में तुमने मुझे घर से बाहर निकाला था ना, उन हालातों को देखते हुए तो मैं बहुत मजे में हूँ। वैसे आज हमारा घर कैसे याद आ गया तुम्हें? तू कैसे बोल रही है मेहमान से? घर आए मेहमान से ऐसी बात कर रहा है कि? आ यहाँ मेरे दौरे बैठ, अकली ना तुझे बोलने की। नहीं माँ मुझे कोई बात नहीं करनी इनसे, मैं जा रही हूँ अंदर, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना,
और चाय नाश्ता मैं राजू के हाथ पहुंचा दूंगी। कोई बात ना बेटा, तू दुखी ना हो। एक साल होगी मेरे द्वारा रहते हुए, तो थोड़ा घना तो गुस्सा दिखाओगी तुझे। कोई बात ना माँ, मैं ही करता हूँ इससे बात। सुमन यार, मेरी एक बार बात तो सुन ले। हाँ बताओ। यार सुमन, मुझे माफ कर, मैं तो पी खा गया तुझे उल्टा सीधा बोलगा। इसका मतलब यू थोड़ी है कि हम अपना घर खराब करेंगे। आप इस गुस्से को छोड़ और अपना सामान पैक कर ले, चल अपने घर चलते हैं। अच्छा, तुम्हें एक साल बाद घर याद आ गया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? जैसे तुमने मुझसे 3 लाख रुपए मांगे थे ना, वैसे तुम मुझे 5 लाख रुपए दो और मुझे ले जाओ। अरे तू पागल हो रही है क्या? इतने दिन में तो मेरी नौकरी लगी है, उसमें भी 10,000 रुपए मिले, मैं कहाँ से 5 लाख का इंतजाम कर दूँ? वहाँ से जहाँ तुमने मुझे ये कहा था कि 3 लाख रुपए का इंतजाम करके ला। तुम भी करके ला, मुझे क्या पता। सुमन, तुझे तो बिल्कुल भी तमीज ना रहे। अरे तुझे नहीं पता ना मेहमान से कैसे बात करी जा। नहीं माँ, सारी गलती मेरी है, मैंने पी खा के दूसरों की बातों में आके अपना घर खराब कर लिया। बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, बस हमें यूं ही काफी है। माँ मैं ये भूल गया कि आदमी की जिंदगी में दुख सुख तो चलता रहे, पर आदमी को मजबूत रह के उनका सामना करना चाहिए। यूं ना कि मेरी तरह कमजोर हो के अपनी बीवी को घर से बाहर ही निकाल दे। माँ अब मुझे अपनी गलती की सजा तो काटनी पड़ेगी। अच्छा माँ मैं चलूँ अब। जी तारा। अच्छा सुनो, जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो ही गया है तो मुझे भी अपने साथ लेकर चलो ना। ठीक है बेटी, खुश रहो हैं, और अब लड़ाई झगड़ा बिल्कुल मत करिए, ये तो नोक झोंक चलती है हमें जीवन में। ठीक है, जा हंसे खुशी रह पड़े। हे भगवान, मेरी बेटी का दोबारा से घर बसा दिया, तेरा लाख लाख शुक्र है।